विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने बिहार की जनता को चौकन्ना करते हुए कहा था कि अगर महास्वार्थ बंधन की सरकार बनी तो बिहार में जंगल राज लौटने का डर है। जनता जनार्दन ने अपने मतादेश में लालू और नीतीश के गठबंधन को सत्ता की कुर्सी सौंप दी, लेकिन बीजेपी द्वारा जताया गया डर का अंदेशा अब हकीकत बनकर सामने आ रहा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही बिहार में ऐसी घटनाएं शुरू हो गई हैं जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिहार की धरती एक बार फिर खाकी के खून से लाल हो गई। भीड़ की शक्ल में कुछ हैवानों ने वैशाली में थाना प्रभारी की पीट पीट कर हत्या कर दी, तो वहीं बेगूसराय में भीड़ ने पुलिस कर्मियों से रिवॉल्वर छीनकर उनको जमकर पीटा। दरअसल लालगंज में सड़क हादसे में दादा पोती की मौत की घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी चालक समेत कई घरों को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही लालगंज और आसपास थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस को करीब 100 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी, लेकिन भीड़ का आक्रोश बढ़ता गया। इस बीच फायरिंग से दो लोग घायल हो गए। भीड़ ने बेलसर के ओपी प्रभारी अजीत कुमार की जमकर पिटाई कर दी। इलाज के दौरान पीएमसीएच में अजीत कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद वैशाली की डीएम रचना पाटिल और एसपी राकेश कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। तनाव को देखते हुए एसएसबी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल को भी लालगंज बुलाया गया है। वहीं दूसरी घटना में बेगूसराय के चकिया ओपी थाना में हत्या के शिकार युवक का शव गांव में पहुंचाने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला बोल दिया। भीड़ ने पुलिस वालों से रिवॉल्वर छीन ली और पुलिस कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि व्यक्तिगत झगड़ों और रंजिशन हत्याओं को भी सांप्रदायिकता के रंग में रंगकर उन पर सनसनीखेज डिबेट कराने वाले न्यूज चैनल्स आखिर कहां हैं और चुप क्यों हैं? वहीं किसी एक घटना को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने वाले बुद्धिजीवियों की अकल पर कौन सा ताला लग गया है? वो लेखक अब कहां हैं जो समाज की चिंता करते हुए पुरस्कार लौटाने को उतावले हैं? क्या उनकी कलम की स्याही भी अब सूख चुकी है? यह देखना भी कम दिलचस्प नहीं होगा कि ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? शायद केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को या फिर महाराष्ट्र सरकार को। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक।